हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो के आई बटन के पास आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो का लिंक आपको दिख रहा होगा। आप सीधे इस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो को समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स को आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंतर्गत वे सारे पार्ट्स, वे सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एक्सटर्नली एसोसिएटेड होता है। मतलब यह कि एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंतर्गत वे सारे पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड एक्सटर्नली बाहर से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हमें समझना है कि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं उसके अंतर्गत जितने भी पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स आते हैं उन सबको एक साथ, कलेक्टिवली एक साथ बोलते हैं वल्वा। और वल्वा को ही बोलते हैं प्यूडेंडम। लेकिन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट पार्ट्स के लिए ये दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में अब हमें समझना है। दे इंक्लूड, जो फर्स्ट पार्ट है वह है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। कुशन मीन्स पैड लाइक स्ट्रक्चर है जो फैटी टिश्यू के बने होते हैं और हेयर एंड स्किन एंड प्यूबिक हेयर से कवर्ड होते हैं। तो यह क्या है? मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस किससे कवर्ड होते हैं? स्किन से एंड प्यूबिक हेयर से। तो यह क्या है? मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन। कुशन को ही पैड बोल सकते हैं। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। जो सेकेंड पार्ट है वह है लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा क्या है? मॉन्स प्यूबिस के ठीक नीचे पेयर्ड फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। मींस यहां पर दो फोल्ड्स होता है टिश्यूज का, कुछ इस तरह समझ सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये एक फोल्ड और ये सेकेंड फोल्ड। तो यह जो पेयर्ड फोल्ड है टिश्यूज का, जो फ्लेशी फोल्ड्स होता है, इसे ही हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, सॉरी लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा, तो लेविया मेजोरा किसके नीचे होता है? मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है। तो लेविया मेजोरा आर पेयर्ड फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, और पाया कहाँ जाता है? बिलो मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के ठीक नीचे होता है। नॉर्मली ये दोनों जो फोल्ड होते हैं वह कुछ इस तरह से होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये एक फोल्ड और ये सेकेंड फोल्ड। और इस तरह से जो वेजाइनल ट्यूब है उसके ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को ये लेविया मेजोरा क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं। कवर्स वेजाइनल ओपनिंग। और लेविया मेजोरा मेल के एस्क्रोटम के होमोलोगस होता है। होमोलोगस टर्म क्यों यूज किया जाता है? इसलिए कि एस्क्रोटम और लेविया मेजोरा में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। जब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो दो पार्ट्स या दो स्ट्रक्चर के बीच में, या ओरिजिन में जब सिमिलरिटी होता है तब टर्म यूज किया जाता है होमोलोगस। तो यह किसके होमोलोगस है?
होमोलोगस टू एस्क्रोटम ऑफ मेल। जो थर्ड पार्ट है वह है लेबिया माइनोरा। मेजोरा का मतलब क्या हुआ? मेजर मींस बड़ा सब फोल्ड, और माइनर मींस क्या होता है? छोटा। तो छोटे से फोल्ड को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा क्या होता है? लेबिया माइनोरा भी पेयर्ड फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू ही है। दो लेबिया माइनोरा होता है, और वो दोनों लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के कंपेरिजन में स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और इसके अंदर की तरफ होता है, नीचे की तरफ। अगर ये लेबिया मेजोरा है तो इसके ठीक अंदर की तरफ होगा लेबिया माइनोरा होगा। तो यहां पर इस तरह से लेबिया माइनोरा, तो ये हो गया लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा क्या है? ये भी आर पेयर्ड फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, और ये पाए जाते हैं कहां पर? अंडर लेविया मेजोरा के अंदर की तरफ होता है। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस बोलते हैं। दो लेविया माइनोरा के फ्यूजन से एंटीरियर पार्ट पर, एंटीरियर जंक्शन पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और यह जो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं क्लाइटोरिस। तो यह क्या है? यह है क्लाइटोरिस। इसके साथ साथ दो लेबिया माइनोरा के बीच में एक डिप्रेशन होता है, या एक रीजन होता है। इस डिप्रेशन को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इस डिप्रेशन को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और इसी डिप्रेशन वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लडर से एक डक्ट निकलता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का ओपनिंग बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर खुलता है, ये रहा ओपनिंग, जिसे बोलेंगे क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस से जुड़ा हुआ अटैच्ड एक ट्यूब होता है वेजाइना। तो वेजाइना का जो ओपनिंग होता है वेजाइनल ओपनिंग, जिसे बोलेंगे क्या? वेजाइनल ओपनिंग, या बोलेंगे वेजाइनल ओरिफिस। और ये क्या है? तो यह है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये क्लाइटोरिस कहां पाया जाता है? टू लेविया माइनोरा के अपर जंक्शन पर पाया जाता है, एवव द, या एवव यूरेथ्रल ओपनिंग। तो क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और पाया कहां जाता है? एट अपर जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा, और पाया जाता है एवव यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लाइटोरिस का जो टिप होता है, मेल के पेनिस के टिप, ग्लांस पेनिस की तरह ही, उसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट देखा जाता है, होता है। और इस तरह से मेल की पेनिस और फीमेल का यह जो क्लाइटोरिस है वह दोनों एक दूसरे का होमोलोगस होगा, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होने के कारण। तो इस तरह से यह भी पॉइंट नोट करना है या याद रखना है कि यह जो क्लाइटोरिस होता है वह होमोलोगस टू पेनिस। और जिस तरह से पेनिस फोर स्किन, पेनिस का ग्लांस पेनिस फोर स्किन से कवर्ड होता है, क्लाइटोरिस का भी जो टिप होता है वह भी फोर स्किन से कवर्ड होता है। तो क्लाइटोरिस हो गया। अब उसके बाद समझना है हाइमन के बारे में। हाइमन क्या है? हाइमन एक मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन क्या करता है? वेजाइनल ऑरिफिस या ओपनिंग को कवर करता है पार्शियली। तो यह क्या है? एक मेम्ब्रेन जो कवर करता है, कवर्स वेजाइनल ओपनिंग,
वेजाइनल ओपनिंग को कवर्स करता है पार्शियली, आंशिक रूप से ये कवर करके रखता है हाइमन। हाइमन के बारे में एक चीज और कि जब कोई फीमेल पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, मींस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जब होता है किसी फीमेल के साथ, तो यह हाइमेन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है। लेकिन हम हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइमेन ब्रेक हो सेक्सुअल फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय और ब्लीडिंग हो, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो यह देखा गया है कि जो फीमेल कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जैसे एवब हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, या कभी कभी जॉल्ट, झटका वगैरह से भी हाइमन जो होता है वह ब्रेक हो जाता है, बिना सेक्सुअली कंटेक्ट किए हुए भी ब्रेक हो सकता है या हो जाता है। और किसी किसी फीमेल में तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन बना हुआ रहता है, ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हाइमन का प्रेजेंस और अब्सेंस जो है वह वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं हो सकता है, कुंवारीपन का इंडिकेटर नहीं हो सकता है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और इसी वेस्टिब्यूल वाले रीजन में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब जिस ग्लैंड्स के बारे में हमें समझना है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लें। अब हमें समझना है वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल क्या है? दो लेबिया माइनोरा के बीच में जो डिप्रेशन होता है, जो रीजन होता है, उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। तो यह क्या है? एक डिप्रेशन है। बिटवीन टू लेबिया माइनोरा, जैसा कि अभी तुरंत बताया गया था। और वेस्टिब्यूल वाले रीजन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिस ग्लैंड को क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। और जो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वह जनरली टू टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स को ही बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स को ही बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। यह बार्थोलिन ग्लैंड्स का जो टोटल नंबर होता है वह होता है 1 पेयर, और पाया कहाँ जाता है? एट आइदर लेटरल साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है। और इनके जो ग्लैंड्स के जो ओपनिंग्स होते हैं या जो ट्यूब होता है वह वेजाइना के पास ही ओपन होता है, खुलता है, और इस तरह से यह भी हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इस तरह से यह इसके जो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वह उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। और इस तरह से यह जो ग्लैंड्स है मेल के कॉपर्स ग्लैंड्स के होमोलोगस होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड्स को ही बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। जो सेकेंड ग्लैंड है उसे बोलते हैं लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। तो कुछ और वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, और जो सम लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स जो होते हैं वह उनके जो डक्ट होते हैं वो कहाँ खुलते हैं? ओपन इन वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में ही कुछ जो लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, उनके डक्ट्स ओपन होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वह है ह्यूमन ओवरी के एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी,
के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।